नमस्कार साथियों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल डॉक्टर निशांत भाटिया में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे डायबिटीज़ मेलाइटस के बारे में। डायबिटीज़ मेलाइटस यूजुअली दो प्रकार का होता है। पहला टाइप जो है टाइप वन, दूसरा टाइप है टाइप टू। जिसको टाइप वन को जुवेनाइल डायबिटीज़ या इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस भी कहा जाता है। टाइप वन में बेसिक जो पैथोलॉजी है या उसके बिहाइंड में जो पैथोलॉजी है उसके बारे में बात करते हैं। टाइप वन डायबिटीज़ में इंसुलिन या तो बिल्कुल ही नहीं बनता है, बिल्कुल एब्सेंट रहता है, बनता ही नहीं है, या फिर बहुत कम मात्रा में बनता है। यह यूजुअली बचपन में ही हो जाता है या जन्म के साथ ही हमें पेशेंट को रहता है। इसके सिम्टम्स थोड़ा सा लेट अकर होते हैं। टाइप वन डायबिटीज़ में जो है शुगर लेवल ब्लड में बढ़ जाता है और टाइप टू में भी बढ़ता है। दोनों में ही कोई अंतर नहीं है। सिम्टम वाइज बात करें तो दोनों में कोई फ़र्क नहीं है। टाइप टू की बात करें, डायबिटीज़ मेलाइटस टाइप टू जो है उसको नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस कहते हैं। इस टाइप के डायबिटीज़ मेलाइटस में क्या होता है कि इंसुलिन इसमें या तो प्रॉपर कम मात्रा में बनता है, पूरी तरह से नहीं बन पाता, या फिर जहाँ पे रिसेप्टर साइट है या जहाँ पे इंसुलिन का मेटाबॉलिज्म होना चाहिए वो रिसेप्टर साइट इसको प्रिवेंट करती है या प्रॉपर यूटिलाइजेशन इंसुलिन का नहीं हो पाता और शुगर लेवल जो है, ब्लड शुगर लेवल जो है बढ़ जाता है। अब हम बात करेंगे सिम्टम्स के बारे में। डायबिटीज़ में क्या क्या सिम्टम्स पाए जाते हैं। इसमें प्यास ज़्यादा लगती है, यूरिन की फ्रिक्वेंसी बढ़ जाती है, विजन आपका ब्लर होने लगता है, सेक्सुअल और फिजिकल वीकनेस दिखाई देती है। ये चार पांच सिम्टम्स जो है वो कॉमन है। पांव के तलवों में जलन सी होने लगती है। ये जो सिम्टम्स डायबिटीज़ मेलाइटस में मिलते हैं। अब हम बात करते हैं इसको डायग्नोस कैसे किया जा सकता है या पता कैसे लगेगा कि आपको डायबिटीज़ है या नहीं है। अगर आप खाली पेट जो है, जिसको फास्टिंग ब्लड शुगर कहते हैं, फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल किसी भी लैब से जाकर चेक करवाएंगे तो वो बढ़ा हुआ आएगा। इसकी फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल की नॉर्मल रेंज जो है 80 से 110 mg पर डीएल होती है, जो कि इससे ज़्यादा मिलेगी आपको खाली पेट जब आप शुगर चेक करवाएंगे। अगर इससे ज़्यादा मिलती है तो आपको शुगर लेवल जो है हाई है और इसके लिए आपको मेडिसिन लेना चाहिए। इसके लिए होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में बात करें तो सबसे पहली मेडिसिन है डायबोनिल ड्रॉप, जो कि SBL कंपनी की आती है। डायबोनिल ड्रॉप को आपको 10 बूंद सुबह, 10 बूंद दोपहर में और 10 बूंद रात को आधे कप पानी में डालकर दिन में 3 बार पीना है। दूसरी दवा का नाम है सीजीजीएम जम्बोलेनम। सीजीजीएम जम्बोलेनम आपको मदर टिंक्चर में लेना है। सीजीजीएम जम्बोलेनम को आपको 20 बूंद आधे कप पानी में दिन में 3 बार वैसे ही डायबोनिल की तरह ही लेना है। दोनों दवा में आप 5 मिनट का अंतर रखिएगा। अब एक तीसरी मेडिसिन के बारे में बात कर रहे हैं, जिसका नाम है पेनक्रिएटिनम 3X। पेनक्रिएटिनम 3X ट्राइचुरेशन वाली टेबलेट्स हैं, जो आपको 2 टेबलेट दिन में 3 बार लेना है। 2 गोली सुबह, 2 गोली दोपहर और 2 गोली रात को लेना है। यह टाइप वन वाले डायबिटीज़ में काफ़ी फ़ायदा करता है तथा पेनक्रियाज को या बीटा सेल्स को जो है प्रमोट करता है इंसुलिन को प्रोडक्शन में बढ़ाने के लिए। इसलिए पेनक्रिएटिनम 3X ट्राइचुरेशन आपको ज़रूर लेना चाहिए अगर आपको टाइप वन डायबिटीज़ है। तो ये थी मेडिसिंस जिनके बारे में हमने चर्चा की। ये होम्योपैथिक मेडिसिंस आपको बहुत फ़ायदा देगी। आप हफ्ते से 10 दिन अगर इस दवा अगर एक बार सेवन कर लेंगे तो 10 दिन बाद जब आप शुगर लेवल, फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल चेक करवाएंगे तो 7 दिन से 10 दिन में आपको फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल ग्रेजुअली कम होते हुए नज़र आएगा। इन मेडिसिंस को आपको कंटिन्यूस लेना है, 4 से 6 महीने लेंगे और शुगर लेवल इनको आप बार बार चेक करवाते रहिएगा, जिससे कि आपकी शुगर के ऊपर मॉनिटरिंग बनी रहे। अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए तथा मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।